फॉर स्टॉपिंग बाई टू वॉच अनदर वीडियो ऑफ माइन। तो आपको भी पता होगा जब भी कोई नया रेस्टोरेंट ओपन होता है मैं कोशिश करती हूँ कि वो आप तक लेकर आऊँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने कैफे यम यम का एक वीडियो बनाया था और उनका न्यू वेंचर है जिसका नाम है रांची बाई नेचर। तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड का जायका मिलेगा, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये प्लेस। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं रांची बाई नेचर की तरफ। बाय द वे ये नाम रांची बाई नेचर रांची के लोगों को कितना कनेक्टेड फील करा रहा है, व्हाट डू यू थिंक? व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस नेम ना आई लिटरली गॉट एक्साइटेड एंड रांची इज नॉट जस्ट अ सिटी बट इट्स एन इमोशन। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। पैंटालूंस आई मीन ईस्टर्न मॉल के जस्ट बगल में आपको ये प्लेस मिल जाएगा एंड इट्स वेरी इजी टू लोकेट दिस प्लेस। तो अब विदाउट मच टॉकिंग जस्ट लुक एट द मेन्यू, काफी वाइड ऑप्शन है खाने पीने में एंड इट्स पॉकेट फ्रेंडली टू। So that's the seating area and well thank God there is a patio umbrella table and chair set, warna garmi mein to halat hi kharab ho jani thi। चेयर्स के जस्ट ऊपर यहाँ पे कुछ पेपर लैंटर्न्स लगे हैं जो कि रात में बहुत ब्यूटीफुल लगता होगा जब लाइट्स ऑन होता होगा। तो चलिए अब फूड पे आते हैं। तो अभी प्रिपेयर हो रहा है वेज बर्गर। सो द बन इज कट इनटू टू हाफ्स एंड नेक्स्ट ही चॉपिंग ऑफ टमेटो और फिर स्लाइस किया जा रहा है अनियन। सो नाउ द बर्गर बन इज गेटिंग टोस्टेड। और ये है आलू टिक्की जिसमें से ही इज रिमूविंग एक्स्ट्रा ऑयल विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। और अब इसमें डाली जा रही मेयोनीज। नेक्स्ट ही इज एडिंग सम बॉइल्ड कैबेज टू इट। फिर इसमें लगी आलू टिक्की और ऊपर से इन्होंने अनियन डाला। नेक्स्ट टमेटो एंड देन सम स्पाइसेस और रेडी हो गई हमारी वेज बर्गर। इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट तो आई जस्ट लव्ड इट। आलू टिक्की वाज टू क्रिस्पी, मतलब खाने में मजा आ रहा था काफी एंड कैबेज और मेयोनीज का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का था, मतलब अल्टीमेट टेस्ट था इसका एंड आई वुड रेट इट 9 out of 10 एंड इट्स कॉस्ट इज 130 rupees। और नेक्स्ट बन रहा है पनीर टिक्का सैंडविच। तो इन बड़े स्लाइस में लग रही है बटर एंड देन इट इज गेटिंग ग्रिल्ड। Now he is chopping off paneer tikka and capsicum. You can see frying pan mein onions, capsicum aur paneer tikka fry ho rahi hai। And now he is adding few spices to it to enhance the taste.
अब ब्रेड की पहली स्लाइस में डल रही है अफगानी मेयोनीज और नेक्स्ट स्लाइस में ही इज पुटिंग मिंट मेयोनीज और ऊपर से ही इज पुटिंग सम बॉइल्ड कैबेज एंड नेक्स्ट इन्होंने पनीर की स्टफिंग डाली है। Finally, it's getting grilled. तो ready हो गई हमारी sandwich and it has been cut into 4 halves. तो चलिए ट्राई करते हैं इनका पनीर टिक्का सैंडविच। टेस्ट इज क्वाइट फ्लेवरफुल, इसमें कैप्सिकम पनीर और अनियंस के टेस्ट आ रहे हैं एंड जो मेयो है इसका अमेजिंग है, आप इसे पक्का ट्राई कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट लव ईच एंड एवरी बाइट ऑफ दिस सैंडविच। पनीर टिक्का वॉज परफेक्टली मैरिनेटेड एंड वॉज सो फ्लेवरफुल। उसमें से कैबेज, कैप्सिकम और अनियन के जो टेस्ट आ रहे थे ना इस सैंडविच में, मतलब कमाल के लग रहे थे। आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस। मतलब टेस्ट जबरदस्त है एंड रेटिंग तो डेफिनेटली 10 out of 10 होगी एंड इट्स कॉस्ट इज 105 rupees एंड इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी। और अब बन रहा है हमारा ब्राउनी शेक। सो ही इज यूजिंग अमूल मिल्क। Next, he is adding some amount of brownie to it. And then 2 scoops of chocolate ice cream. और अब ये मिक्सर में ग्राइंड हो रहा है। Finally, our brownie shake is ready. It was too chilled and I experienced the flavors of chocolate ice cream and brownie. जो ब्राउनी के क्रंचेस आ रहे थे ना, मतलब बड़ा टेस्टी था वो। वैसे आप यहाँ का स्ट्रॉबेरी शेक भी ट्राई कर सकते हो, बट इफ यू समवन जिसको चॉकलेट वाला फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो आप ब्राउनी शेक तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड आई वुड रेट इट 8.5 out of 10 और इसका कॉस्ट है 79 rupees। तो 79 rupees के हिसाब से क्वांटिटी सही लगी मुझे। लास्टली आई ट्राइड चिकन टिक्का जिसमें आपको टोटल 6 pieces मिल जाएंगे। इट हैड स्मोकी फ्लेवर्स एंड इट वॉज प्रॉपरली ग्रिल्ड। काफी ज्यादा टेस्टफुल लगा मुझे ये एंड इट वॉज सर्व विथ हरी चटनी। और ये तो है चिकन टिक्का एंड नेक्स्ट वी हैव अनियन एंड इट्स लेमन। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था ये एंड जो स्पाइसेस थे ना कमाल के लग रहे थे। इट्स कॉस्ट इज 135 rupees एंड आई वुड रेट इट 9 out of 10 एंड ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। वैसे मैंने अपने एक फूड ब्लॉगर दोस्त दैट इज टेस्टी रांची प्रतीक को बोला था कि मेरे को नाइट का व्यू अगर पॉसिबल हो पाए तो उसका वीडियो कैप्चर करके देना एंड रियली थैंक यू प्रतीक फॉर सेंडिंग मी दिस क्लिप। ऑल्सो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक मेंशन कर दूंगी और काफी अच्छे फूड ब्लॉगर है वो रांची के। आई एम रियली एडोरिंग द नियॉन साइन बोर्ड ऑफ रांची बाय नेचर।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे